हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के नंबर वन फुटबॉल प्लेयर के बारे में। वैसे इनके बारे में आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अगर फुटबॉल एंड फुटबॉल प्लेयर की बात आती है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैसी का नाम तो आता ही है। तो आज हम फुटबॉल प्लेयर मैसी के बारे में जानेंगे, उनकी स्ट्रगल लाइफ कैसे रही और उन्होंने कैसे ये मुकाम हासिल किया। तो वीडियो में बने रहिए, इनके बारे में सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो की स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में हुआ। इनका रियल नेम है लियोनेल आंद्रेस मैसी। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी का नाम है जॉर्ज होरोसियो मैसी। इनके पिताजी एक स्टील फैक्ट्री में काम किया करते थे। इनके माताजी का नाम है सोलिया मारिया। लियोनेल मैसी एक फुटबॉल प्लेयर के साथ बिजनेसमैन भी हैं। इनके दो भाई हैं, दोनों इनसे बड़े हैं, जिनमें एक का नाम है रोड्रिगो मैसी जो कि मैसी के बिजनेस मैनेजर हैं, और एक का नाम है मैटियास। इनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम है मारिया सोल। मैसी सन 2023 तक में 36 वर्ष के हो चुके हैं। इनकी हाइट है 5 फुट 7 इंच यानी 170 सेंटीमीटर। आपको बता दूं कि इनके वजह से वहां की गवर्नमेंट को एक नियम लागू करना पड़ गया था जिसमें कोई भी अपने बच्चों का नाम मैसी नहीं रखेगा, क्योंकि वहाँ इतने सारे मैसी नाम के बच्चे हो गए थे, तो इस तरह में इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता। इस कारण से ये नियम लागू करना पड़ा। अर्जेंटीना में बच्चे 6 साल की उम्र में स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। वे 6 साल से 11 साल की उम्र में प्राथमिक विद्यालय में होते हैं और फिर 11 से 17 साल की उम्र में माध्यमिक विद्यालय में। जबकि अर्जेंटीना में मैसी के स्कूलिंग लाइफ के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। वे ज़्यादातर लोगों से बातें करना पसंद नहीं करते थे, जिससे यहाँ तक लोग उन्हें ये समझने लगे थे कि वो गूंगा है। मैसी बचपन से ही फुटबॉल को पसंद करते थे, जिसमें ज़्यादातर वो फुटबॉल के साथ ही समय बिताते थे। इसी कारण से ये ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। मैसी 4 साल की उम्र में ही फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था। मैसी बचपन में ही काफ़ी अच्छा खेलते थे, मानो ऐसा कि उन्हें भगवान ने फुटबॉल प्लेयर बनाने के लिए ही स्पेशल तौर पर भेजे हैं। मैसी का मन फुटबॉल में बहुत ज़्यादा लगने लगा। मैसी के इस टैलेंट को सबसे पहले इनकी दादी ने देखा था, और इनकी दादी भी चाहती थी कि मैसी बड़े होकर एक फुटबॉल प्लेयर बने, और ठीक वैसा ही हुआ। मैसी बड़े होकर एक फुटबॉल प्लेयर ही नहीं बल्कि दुनिया के महान फुटबॉलर बने। बात करते हैं इनकी करियर जर्नी के बारे में। जैसा कि मैसी 4 साल की उम्र में ही फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिए थे, इसके बाद उन्होंने सन 1995 में न्यू वेल ओल्ड बॉयज नाम की टीम के साथ खेलना शुरू किया, और इस वक्त इनकी उम्र थी मात्र 9 साल। और वे इस उम्र में ही अपनी अच्छी मेहनत के चलते ऐसा फुटबॉल खेलने लगे थे कि अगर इनके पास फुटबॉल आ जाती तो 15-15 मिनट तक इनसे कोई उस फुटबॉल को छीन नहीं सकता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्हें अचानक 10 साल की उम्र में हार्मोन डिफिशेंसी नाम की एक बीमारी हो गई। इस बीमारी में होता क्या है कि बॉडी में हार्मोन की कमी हो जाती है, और इसका इलाज समय पर ना कराया जाए तो पूरा शरीर ग्रो करना बंद कर देता है। इस बीमारी का इलाज उस टाइम में महंगा होता था और हर हफ्ते करीब $1000 के आसपास खर्चा होता था। इसका इलाज में जो कि मैसी के पिता के लिए बहुत मुश्किल था, जो वे कभी घर का कुछ सामान बेचकर और कभी तो किसी से उधार मांगकर इलाज कराते थे, और इस बीमारी के इलाज के लिए रात को अपने पैरों के जांघों पर इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, जो कि काफ़ी दर्दनाक होता था। मैसी को इंजेक्शन हर 7 दिन में लगाया जाता था, 7 दिन लेफ्ट पैर के जांघ में और अगले 7 दिन राइट पैर के जांघ में, जो कि 10 साल के बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और दर्दनाक भी। कुछ सालों तक मैसी के पिता अपना सब कुछ बेचकर इलाज करवाया, और इसके आगे का इलाज के लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे। उनके पिता काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, परेशान थे कि कब इससे छुटकारा मिलेगा। अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि मैसी ऐसे समय में थे, लेकिन वे अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस करना बंद नहीं किए थे। उन्होंने फुटबॉल खेलना बंद नहीं किया था, और उसी टाइम में इनके किसी अपने पहचान के मैसी को ऐसा खेलते देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने इसके बारे में बार्सिलोना यूथ एकेडमी के डायरेक्टर कार्लस रैक्सेस को बताया, जिसके बाद उन्होंने मैसी को ऐसा खेलते देखकर उनके दीवाने हो गए, और जिसके चलते इन्होंने मैसी और इनके परिवार वालों से एग्रीमेंट किया कि मैं आपके बच्चे यानी मैसी का इलाज का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन इसके लिए स्पेन आकर मैसी को बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा।
और इस एग्रीमेंट को मैसी और उनके परिवार वालों ने एक्सेप्ट किया और 14 साल की उम्र में मैसी और उनके परिवार वाले स्पेन चले गए और वहां ये मैसी बार्सिलोना एकेडमी से खेलना शुरू किया और यहां पर उन्होंने अपने खेल से लोगों को इम्प्रेस किया और इन्होंने फुटबॉल करियर की शुरुआत करी। 16 नवंबर 2003 को टीम पोर्टो के खिलाफ खेला था और इस वक्त इनकी उम्र थी मात्र 16 साल। इसके बाद 17 अगस्त 2005 को हंगरी के खिलाफ अपना डेब्यू इंटरनेशनल मैच खेला और यहां से मैसी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार कड़ी मेहनत करते रहे और सफलता इनकी कदम चूमती रही। ये फुटबॉल खेलते रहे और हमेशा आगे बढ़ते गए। सन 2012 में सिर्फ एक साल में सबसे ज़्यादा गोल करने के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और सन 2012 में इन्होंने टोटल 91 गोल किए थे। सन 2014 से लेकर सन 2016 तक उन्होंने मैसी ने बार्सिलोना के लिए 347 मैच खेले और इन सभी मैचों में टोटल 312 गोल किए। ला लीग में भी सभी विपक्षी टीमों के खिलाफ लगातार स्कोर करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने। सन 2012 और सन 2013 में 19 मैचों में से 30 गोल किए। मैसी ने ऐसे कई हजारों मैच खेले। बात करते हैं इन्हें अब तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं। इन्होंने फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2019, फीफा बैलोन डी और सन 2009, सन 2010 व सन 2011 और सन 2012 व 15 में यूरोपियन गोल्डन बूट जीता। सन 2010 में और सन 2013 व 17 में फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल सन 2014 में जीते और भी इन्हें कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। इनके करियर का टर्निंग पॉइंट था जब सन 2007 में जब इन्होंने बार्सिलोना के लिए खेलते हुए रियल मैड्रिड के खिलाफ हैट्रिक बनाई और मैच ड्रा पर समाप्त हुआ। एंड आपको बता दूं कि इन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें किसी ने आज तक नहीं तोड़ पाया। यहाँ तक रोनाल्डो भी पीछे रह गए हैं। बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनके फैमिली के बारे में और बता दूं कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था एंटोलेना रोकुजो और आगे चल के इन्होंने शादी कर ली। मैसी के 3 बच्चे भी हैं। उनके पहले बेटे का जन्म 2 नवंबर सन 2012 को हुआ जिसका नाम थियागो है। उनके दूसरे बेटे का नाम है मोटेओ जिसका जन्म 11 सितंबर 2015 को हुआ और उनके तीसरे बेटे का जन्म 10 मार्च 2012 को हुआ जिसका नाम सीटो है। मैसी को वीडियो गेम खेलना और गाना सुनना काफ़ी पसंद है। मैसी के पास स्पेन और अर्जेंटीना दोनों देशों के पासपोर्ट हैं। हालांकि उन्होंने स्पेन में काफ़ी ज़्यादा समय बिताया है। वह एकमात्र खिलाड़ी हैं जो गेंद के बिना गेंद की तुलना में उसके साथ अधिक तेज दौड़ते हैं। मैसी बाएं पैर के खिलाड़ी हैं। क्या आपको पता है कि मैसी अर्जेंटीना का राष्ट्रगान नहीं गाते हैं। आपको बता दूं कि लियो मैसी फाउंडेशन की स्थापना करी जो बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल में समर्थन करता है। 26 जून 2016 को जब मैसी कोपा अमेरिका फाइनल में अंतिम शूटआउट में पेनल्टी चूक गए और अर्जेंटीना चिली से हार गया तो इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा करी। हालांकि बाद में उन्होंने ये अपना डिसीजन चेंज कर दिया और अर्जेंटीना को सन 2018 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कराया। मैसी के विवाद के बारे में बात करते हैं। सन 2016 में उनके संदिग्ध टैक्स चोरी के लिए जांच की गई थी। मैसी पर 2 मिलियन यूरो का जुर्माना भी लगाया गया था और वह कभी जेल नहीं गए हैं क्योंकि अदालत में बताया गया कि वह केवल फुटबॉल खेलता है और कुछ भी नहीं जानता। मैसी 3 यूरोपीय गोल्डन शू पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। मैसी ने कई फुटबॉल मैच जीते हैं और कई सारे अवार्ड भी। अब बात करते हैं मैसी या रोनाल्डो में से किसके पास अधिक गोल हैं। रोनाल्डो के पास मैसी से ज़्यादा गोल हैं। मैसी ने 1023 खेलों में 796 गोल किए हैं जबकि रोनाल्डो ने 144 खेलों में 819 गोल किए हैं। बात करते हैं मैसी के कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास समथिंग 12 से 15 कारें हैं। इन्होंने अपनी फर्स्ट कार सन 1957 में फरारी 335 एस स्पाइडर कार ली। सेकंड नंबर पर है पगाना, इसे सन 2010 में इन्होंने खरीदी थी। एंड इनके पास मर्सिडीज बेंज क्लास एंड रेंज रोवर जैसी लग्जरी कारें हैं। अगर ऑडी की बात करें तो इनके पास 3 से 4 ऑडी कार हैं जिनमें ऑडी Q7, ऑडी A7 और भी कई सारी कारें हैं। ऑडी Q7 USB जिसे सन 2017 में खरीदे थे जिसकी कीमत है $49,000। इसमें टर्बो इंजन से जुड़ा माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। इनका टोटल कार कलेक्शन $60 मिलियन का है जिसमें हाई लेवल की लग्जरी कारें शामिल है। अगर बात करें इनकी मंथली इनकम की तो मंथली 7 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए इनकम करते हैं।
इनका इनकम का मेन सोर्स है फुटबॉल एंड बिजनेस। इनके बिजनेस में इनके पिताजी मैनेजर हैं। इनकी नेटवर्थ है 620 मिलियन डॉलर, जो कि सबसे अमीर एथलीट में से एक हैं। अगर बात करें इनके हाउस के बारे में तो अर्जेंटीना में बार्सिलोना, इबिसा और रोसारियो में तीन घर हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बार्सिलोना में रहते हैं। उन्होंने इसे सन 2019 में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर खरीदी थी, जिसमें पर्सनली जिम, स्पा, थिएटर व पूल, एक बड़ा फुटबॉल मैदान भी है। इनके पास और भी हाउस हैं। मैसी आज के टाइम में अपने फैमिली के साथ लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं। मैसी के पास 12 मिलियन पाउंड का एक प्राइवेट प्लेन है, और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वे प्लेन की सीढ़ियों पर उनके परिवार, जिसमें उनकी वाइफ सहित उनके तीनों बच्चों के नाम लिखे हैं, आप फोटो में देख ही सकते हैं। इसके अंदर 16 कुर्सियां हैं, जिन्हें मोड़कर 8 बिस्तर बनाया जा सकता है। मैसी के प्राइवेट प्लेन में एक किचन और 2 बाथरूम है, एंड प्लेन के पिछले हिस्से में उनका जर्सी नंबर 10 लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये बढ़िया था गुरु। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।